They're all like such incredible actors of our time. Get ready to dive into the gripping world of Sheher Lakhot. Today, joining me for a super fun conversation is the talented cast, writer, and director of the show.

Uh, so in the show we've got like uh, tracks at the end of each episode इन कहीं कहीं बीच बीच में बी वी गॉट ट्रैक्स तो हाँ मतलब वो मतलब जब से हमारी प्रेप चल रही है तब से मैं गाने ही सुनते रहता था कि अच्छा ये गाना कहाँ फिटा सकता है क्या यार सो वी लुक दैट प्री एग्जिस्टिंग सॉन्ग रादर दैन कम्पोजिंग फ्राम स्क्रैच बट थोड़े इंडिपेंडेंट वाले छोटे मोटे आर्टिस्ट जो जो इतने पॉपुलर ना हो मेन स्ट्रीम में ना हो जो लोगों ने ज़्यादा ना सुने ना हो तो वही करते 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 मतलब एक प्ले बनाते रहो और वो उसमें पहले पाँच सौ सॉन्ग्स होते हैं फिर वो नैरो 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 oh करके यू गेट डाउन टू डजन सॉन्ग्स तो वही था प्रोसेस इंटरेस्टिंग आई लव इज म्यूजिक सेंस यू विल हैव टू सी इट इन द शो आप ट्रेलर में भी देख रहे हो लेकिन वो जब शो में जिस तरीके से आएगा

Well done, no <laughs> PJ. Thank you. Uh, also, how did you guys get into the complexity of your characters? Because considering this uh, show has a lot of layers in it. I'm a very complex person, you answer. <laughs> <laughs> I was expecting <laughs> I, that. I agree, from I you agree. agree. I second <laughs> <expecting laughs> that. <laughs>

याद तो कुछ नहीं करके आते वो सब लाइनें याद हो जाती course, है तो हमारे लिए मजा करो द कैरेक्टर्स आर रिटन एक्चुअली मजेदार तरीके से सब कुछ कहानी वहीं पे मिल जाती है आपको वो समझना जरूरी है उसका जो सार होता है उसका जो एसेंस होता है कि आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं एंड जब इतना इंटरटेनिंग वर्ल्ड मिल जाता है तो आई थिंक टू स्टार्ट एंजॉइंग दैट एंड बिकम वेरी ईजी बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ कास्ट एंड क्रू वी हैड Okay. We really enjoyed doing this process, whether it was a very emotional scene सीन हो वैदर इट वॉज अ whether it was action whether it was we are in वी आर इन डीप इन टू समेज इन यू नो बहुत ही टायरिंग और हेक्टिक डेज थे लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था I don't know अब इसके बाद ऐसा मज़ा कब आएगा कौन सा शूट सेट पर आएगा लेकिन जब आप इतना टाइम बिता लेते हैं किसी कैरेक्टर के साथ और कॉम्प्लेक्सिटीज़ आई थिंक फाइंड करना ही तो मज़ेदार चीज़ एज़ एन एक्टर अगर एक स्ट्रेट एक कैरेक्टर मिला हुआ है और जो सिर्फ लाइने बोल के निकल गए तो फिर क्या है लेकिन लाइने के बोलने के बाद उसके दिमाग में क्या चल रहा है मेरे फेवरेट सीन्स वो पिट भी रहा है लेकिन वो लगा हुआ है अपना ढूंढने में वो चीजें आपको जब मिल जाती है तो आई एंजॉयिटी मोर देनिसके हैंडल नहीं होगा तो जब मैं इंजॉय कर रहा था ये सब चीजों को तो आई थिंक आफ्टर सो मेनी इंटरव्यू स्टार्टेड फीलिंग दैट इज अक

डायरेक्टर साहब, इनका काम है हमको मदद करना जी तो मिलजुल के काम हो रहा था अच्छा मतलब ओके आल्सो व्हाट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड क्रिएटिंग दिस शो एंड वेयर देयर एनी चैलेंजेस दैट यू गाइस फेस्ड व्हाइल राइटिंग और डायरेक्टिंग इट आई मीन द इंस्पिरेशन वाज देविका आई वी डन अ मूवी कॉल्ड मनोरमा दैट वाज बोथ आवर फर्स्ट फिल्म्स सो इट वाज अ चल लेट्स रिविजिट दैट स्पेस ओके नॉट नेसेसरली फिजिकली बट एटलीस्ट कॉन्सेपचुअली के उसी 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 जगह में जाते हैं वापस सो इंस्परेशन वही था द फर्स्ट चैलेंज वॉज ऑफकोर्स द पैंडमिक क्योंकि हमने लिखना शुरू ही किया था और फिर पैंडमिक हो गया विच लेटर काइंड ऑफ बिकेम अ वियड ब्लेसिंग के दे वज समथिंग टू डू डूरिंग दैट पीरियड कैप यू बिजी बट अदरवाइज ये आर जस्ट आई नोट नो काइंड ऑफ प्लेसेज आई एंड अपूटिंग इन और चूजिंग टू शूट इन वो फिज़िकली काफ़ी चैलेंजिंग रहती हैं और लगता तो है कि विंटर में जाके शूट करेंगे और प्लानिंग तो वही होती है बट यू ऑलवेज एंड अप के यार पीक समर में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं हाईवे <laughs> के बीच में दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं है टू इवन गो टेक सम यू नो शेल्टर छाँव में खड़े हो जाते हैं बट वही है तो इट्स फिजिकली वेरी चैलेंजिंग बट इफ यू इंजॉय योर वर्क इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट यू गेट थ्रू इट या

और वो गवर्नमेंट फुल ने बोला हुआ था कि बाहर नहीं निकले ये सब इसे लेकिन हमें तो अपनी शूटिंग खत्म करनी थी हम लोग वहाँ छह कर रहे हैं छतों पर भाग भाग के और मतलब हर एक शॉट के बाद समीपल ऐसे रोजा भी रखा हुआ था किसी ने एक्टर्स oh ने God. हमारे क्रू वालों ने बट जिस तरीके से यूनिट साथ रहती ना वो करने में मजा आता है तो फिर आप अलसो प्रयाण्शू आपके लिए एक कमेंट आया था यूट्यूब के इस पे ट्रेलर के नीचे कि जस्ट असेकंड हाँ इज़न दैट रॉबिन फ्रॉम मिर्जापुर गुड तू सी हिम गेटिंग हिज ओन सीरीज हाउ डू यू फील अबोव इट इट फील्स ग्रेट है इट फील्स वांडरफुल बिकॉज़ यू वांट टू सी नाउ दैट इफ यू कैन हेड Roles in, in places, in भी एक अलग तरीके का बहुत ही अलग तरीके का कैरेक्टर है अब वही वो, वो एक नर्वसनेस भी रहती है कि अब आपको इतना पसंद किया गया है एक रॉबिन से लेके जो पे अब अब वो थोड़ा सा और बढ़ जाती है लेकिन right. ये भी होता है कि हाँ मतलब ये सब करने के लिए ही आए थे तो अब मैं तो प्रेशर नहीं लेता वो डर नहीं डरता मतलब है अब yeah. कर लिया है तो मेरे को डर नहीं लगता बस मुझे पता है कि मैंने अपना काम सच्चाई से कर लिया ना जिसको पसंद आएगा वो आएगा ही वो ओके बट इज देर इज देर एनी इंस्पिरेशन आपकी आपकी किसी के भी करियर में ऐसे कोई एक्टर या एक्ट्रेस है जिन्होंने आपका पूरा करियर ऐसे इंस्पायर कर दिया कि ओके दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू डू और यू वॉन्ट टू वर्क विद समन इन द इंडस्ट्री I think when I came to Mumbai One, I didn't know I wanted to be an actor. Okay. I just wanted to like whatever, live in the city, and then to live in the city you have to make money. So then you'll do whatever you need to do to make money and live in the city. That was my real purpose. Mm -hmm. But when I thought of actors, even back then, it was all the character artists. Right? Okay. Because as a female performer in the scope of things that were being <laughs> offered, you only had a heroine or you had a sister or or a friend. एंड एंड दिस सेट का चेंज सो मुझे कभी ऐसे लगा नहीं जब मैं इनिशियली काम कर रही थी कि यार ये मेरा भी प्रोजेक्ट है बट इट्स बिन इन दिस ईयर वील यार ये मेरा भी प्रोजेक्ट है एंड देन एवरी टाइम यू डिड समथिंग एंड देन यू बिकेम अ पार्ट ऑफ यू नो द पोस्टर फॉर एग्जाम्पल तो और ज्यादा hmm. मतलब वो लाइक like, अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट आई एम रियली लविंग दिस बिकॉज देर इज समर्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक ग्रोथ इन इट सेल्स

ऐसा कुछ महान नहीं किया है सभी ने किसी ना किसी तरीके से इनिशियली आपके वो होते थे ना कि हर एक्टर के साथ होता है डायरेक्टर्स के साथ होता है सबके साथ कि वो आपने बंदे बंदे आपका शो रुक गया शुरू होना था मेरे साथ बहुत हुआ है कि साइन हो गया अभी आप वेट कर रहे हो सबसे बड़ा है लेकिन स्टार्ट ही नहीं हुआ

दिल दिमाग चलता है बस आप, आपको, आपको जिम्मेदारियां दे देते हैं लेकिन स्टेज पर मैंने दीपक डोबरियाल को जब पहली बार देखा तो उसने मुझे इंस्पायर भी किया और एक विश्वास भी दिया कि ऐसा कुछ करने की कोशिश की जानी चाहिए और बदलता रहा सब कुछ वहाँ से स्टेज से आए और फिर आप मैं बहुत जिन एक्टर्स के बारे में मैं सुन भी लेता हूँ कि बहुत अच्छे हैं मैं और मैं उनसे इम्प्रेस होता हूँ ये मैं अपने आप को मैंने कंडीशन किया हुआ है कि बस मुझे उनके आसपास रहने का मौका मिले तो ये साली जिंदगी एक फिल्म थी जो मैंने लिखी थी सुधीर मिश्रा के साथ मुझे इरफान खान के साथ तो मैजिकल कुछ था अभी भी पहुँचने की कोशिश है यू नो तो सबसे कुछ ना कुछ मिलता रहता है क्योंकि दैट्स व्हाट uh, किसी का फैन हो जाना वो नहीं है आप इंस्पायर होते रहते हैं राइट है, राइट आप रहे। रहे। आप सिंप्लिसिटी पकड़ लेते हैं पंकज त्रिपाठी की यू नो you know, कि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता वो भी एक्टर का ही एक एक नींव है या जमीन है मैं मिर्जापुर कर रहा था और हम बुखलाए हुए हैं शहरी लोग हैं कि यार थोड़ा कम्फर्ट हिल गया है बारिश हो रही है बैठने की जगह नहीं है एंड पाँच मिनट में पंकज त्रिपाठी सो गया कहीं एक पत्थर रखकर you know, वो भी एक्टिंग का ही हिस्सा एक्टर आपको पेश नसीर भाई से बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना पीयूष मिश्रा के साथ और मेरी किस्मत रही है कि मैं इन लोगों के साथ खूब उठा बैठा हूँ मतलब okay. इनकी एक्टिंग से नहीं इनका जो एक एक आ, एक ह्यूमन हु, टच होता है ना लाइफ के लिए वहाँ असली मिलता है सीख तो वो बदलता रहता है हमेशा के लिए और इरफान के साथ तो मतलब अभी भी ऐसा लगता है कि क्या वहाँ तक पहुँचने की कभी मतलब कोशिश भी करें कई गलतियाँ करते हैं हम लोग वाइल शूटिंग वाइल एक्टिंग वाइल सीन कैरेक्टर पर क्या वैसा कुछ हो पाएगा बट अच्छा है वो नहीं है लेकिन एक हंगर देकर गए हुए हैं बहुत से एक्टर्स को इंस्पायर करके गए हुए हैं और तो तो चेंज होता रहता है किसी का कुछ अच्छा मिलता है किसी का कुछ हमारा भी किसी को अच्छा मिलता ही होगा ऐसा क्या कहता हाँ है भैया भी होता है ये कपड़ा अजीब है लग रहे हैं तो केके मैन ओ आई लाइक केके मतलब ऐसा लगता है कि यार ये सब अच्छा ये लोग अगर एक्टिंग कर रहे हो तो मैं तो ऐसे किसी सेट पर असिस्टेंट भी बनने को यार डायरेक्टर का किसी बहाने में बहुत चीजें समझ लूं जो रह गई हैं पर अभी मौका मिल जाता है प्रियांशु मैं बहुत पहले से भी मानता हूँ कि प्रियांशु से जब से मैं मिला हूँ मेरा मन करता है कि कुछ ने लिखा ने। जाए इसके लिए मैं लिखता भी हूँ

Visually now on OTT, hmm. it's such a different place. So, I don't know. Get and get inspired all the time, but then you also get to do so much more. Where do you Absolutely. take all that inspiration in and yeah. go? So now you are inspired, but you're also able to do. Right. So I think that way it's a fantastic time. Well, सब actor, जो acting नहीं करते, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। जो नैचुरल है। <laughs> बहुत मेरे को लगता है कि यही कुछ लिखना है। मतलब बहुत अच्छे राइटर्स आए, बहुत अच्छी चीजें लिखीं। जो आदमी ले हाँ ले का। वो लेके आओ जिसने मेरे हाथ पर लिखा जब डायलॉग्स जब तो तो <laughs> तो right. क्या हम माँ से बात करते हैं क्या हम अपने पिता से ऐसे बात करते हैं कि बाबा मुझे आज पैसा चाहिए मुझे एक बैट लेना है उसके बाद मुझे बॉल भी लेना कहा करते हैं तो वो पॉज़ कॉमा जो जो लिखने की कोशिश करता है राइटर ऐसा नहीं है तो वो सब चीज़ें हाँ हम मुझे बोला जाए तो मैं तो कभी ना बोलूं ऐसे मैं अगर बोलूं मैंने कहा हाँ ठीक है प्रियांशु पहले क्या क्या कहते हैं उसका उसका साइन लेके आना यार जैसे मम्मी से बेभाल तुम्हें काम कराया था हमसे हमारे सामने हम कुछ बोल भी नहीं पाए कर दूंगा मैं साइन यहाँ बोलेगा तो भाई जा तो हम उसको जितना हम अपने उसको लाइफ के करीब लाने की कोशिश है और वो एकदम एक जनरेशन ही आ गई एक्टर की आप इमेजिन करें बलराज सानी को जहाँ सब एक्टिंग कर रहे थे और वो कुछ नहीं कर रहे थे अब याद रह जाता है वो कितने गर्म हवा जो टाइम फॉर्मेट थोड़ा थी। अलग थी। था ना स्टोरी स्टोरी का थोड़ा थोड़ा तरीका तरीका भी अलग था सा उस समय जब रोल भी कितनी एक्टिंग करते थे लोग तब मोतीलाल थे अब हम जब स्टूडेंट देखते हैं उन फिल्मों को तो लगता है यार उनके बीच में भी कोशिश जारी थी जो अब आ गई और अच्छी चीज ये है कि अब एक्टर्स बहुत उभर के भी आ रहे हैं और उन्हें दुनिया समझ नहीं है बस कि यार ये तो दुनिया है मेरी है चलो करें दिस हैपेंड व्हेन व्हेन वी दिस बॉय और ओए ओए दैट वाज समथिंग यू नो हम तो कर रहे कर रहे हैं रहे हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट उसकी अंडरस्टैंडिंग उससे वो कैरेक्टर के इर्द गिर्द गया कास्टिंग डायरेक्टर्स का काम

Okay lovely thank you so much guys and all the best thank, thank you. you thank you